नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज की तरफ से निकले लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। इसके लिए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि फ्रेशर्स के लिए वैसे लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आती नहीं है, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ही कम निकल के आती है। ऐसे में अगर आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है वो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, तो इससे बेहतरीन मौका आपके लिए हो नहीं सकता है। और यदि आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट जरूर बनना चाहिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और आपकी सिलेक्शन कैसे होने वाली है। अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और आपको हम बताते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े और आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं या एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी मिस न हो। हम इस चैनल पर लगातार पिछले कुछ दिनों से दोनों टाइम सुबह में भी और शाम में भी नए नए लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी निकल के आ रही है उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपने पीछे के कुछ वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिए, उसमें भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने बात की है जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी गवर्नमेंट जॉब से, और अभी भी उनकी जो डेट्स हैं अभी बाकी हैं। अगर आप चाहें तो उन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से निकली जो लीगल अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करनी है। ये जो जॉब पोस्ट है ये जो है लॉ रिसर्चर की पोस्ट है, और ये जो पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है, और इसकी कई अलग अलग जो लोकेशन है वहाँ पर ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब है और इसकी जो पीरियड रखी गई है वो जो इनिशियली तो आपको एक साल के लिए हायर किया जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी रहती है तो आपकी जो जॉब पोस्ट है इसे 3 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर आप इस लॉ रिसर्चर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करनी होगी, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले आपको जो है डाउनलोड करनी होगी, और इसे जो है आपको प्रिंट आउट करानी होगी। प्रिंट आउट कराने के बाद जो है आपको इस एप्लीकेशन पे नीचे जो है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट दिया हुआ है, आप इसे साइन करनी है, और इसमें बाकी के जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करनी है। इसका पैरा 9 है, उसे ध्यान से देखेंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ किसी एक पर टिक करनी है, आप जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस लोकेशन पर आपको जो यहाँ पे टिक करनी है। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली के 3 लोकेशन दिया गया है, और चंडीगढ़ के 3 है, और एक जो है जयपुर का है, तो आप इनमें से जिस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी एक पर ही टिक आपको करनी होगी। बाकी के इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल है जिसको आपको फिल करनी है, और इसके साथ में जो है जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपकी फोटोग्राफ्स, और इसके अलावा बार काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है, आपका जो मार्कशीट है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इसके साथ में अटैच करनी है, और अटैच करने के बाद जो है आपको इस एड्रेस पर सेंड करनी है। एड्रेस है, देख लीजिए, एड्रेस है द अंडर सेक्रेटरी DRT डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, 3rd फ्लोर, G1D बिल्डिंग 10, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, जिसका पिन यहाँ पे 11001 दिया हुआ है। तो इस एड्रेस को नोट डाउन कर लीजिए, इसी एड्रेस पे आपको जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन सेंड करनी है, जिसे कि आप स्पीड पोस्ट या फिर जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है वो जो है 8 अगस्त 2024 रखी गई है। अभी तो हमने आपको ये बता दिया कि आप इस पोस्ट के लिए कब तक अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें मांगी गई है उसकी अगर हम बात करें तो इसी को थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस जो नोटिफिकेशन है इसको, तो आपको यहाँ पे इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है लॉ ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास भी LLB की डिग्री है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो है मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। आपका जो LLB है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो, और साथ ही साथ आपके पास जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एनरोलमेंट भी होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। तो अगर आपके पास LLB की डिग्री है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपके पास एनरोलमेंट हो चुकी है आपकी, और आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को चलाना आना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे जो है 21 साल से लेकर के 30 साल के बीच में रखी गई है, यानी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 21 से लेकर के 30 साल के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगी आपकी? देखिए लॉ ग्रेजुएट जो फ्रेशर है वो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन उनकी सिलेक्शन कैसे होने वाली, तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देनी है, डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के आधार पर ही आपको ये जॉब पोस्ट मिल जाएगी।
सबसे पहले तो आज जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फॉर्म भेजेंगे तो उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उनमें से जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन उसके बाद जो है आपकी इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू के आधार पर ही आपको ये जॉब पोस्ट जो कि लॉ रिसर्चर की जॉब पोस्ट है ये आपको मिलने वाली है। तो देखिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है लॉ ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए। अगर आप ही एक लॉ ग्रेजुएट फ्रेशर हैं तो आपको इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, सिर्फ आपको इसकी फॉर्म को डाउनलोड करनी है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद जो भी इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको इसके साथ में अटैच करनी है और उसके बाद जो बताया गया एड्रेस है उस पर आपको सेंड कर देनी है। और यदि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शॉर्टलिस्ट की जाती है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर आपको ये जॉब पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपको ये जॉब पोस्ट मिल जाती है तो आपको यहाँ पे क्या ड्यूटीज़ मिलेगी, क्या आपकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपकी जो रिस्पांसिबिलिटी रहने वाली है वो जितने भी केस फाइल्स हैं उसको रीडिंग करना, प्रिपरेशन करना, जो केसेज हैं उनके ऊपर जो है आपको प्रिपरेशन करना होगा, जो भी केस फाइल्स हैं उसकी नोट्स बनाना, ये सारे काम जो है आपको यहाँ पे करनी होगी एज अ लॉ रिसर्चर। अब बात करते हैं मेन बात कि सैलरी कितनी मिलेगी भाई। देखिए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी है तो आपको यहाँ पे सैलरी के रूप में 30,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के लिए वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 30,000 की जो जॉब है, देखने में ये पैसा थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी का द्वार खोल देगा अगर ये जॉब पोस्ट आपको मिल जाती है। और 3 साल का ये जो एंगेजमेंट है, अगर आपने 3 साल वहाँ पे काम कर लिया, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद की जो आपकी लाइफ होगी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और नए लीगल अपॉर्चुनिटी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।